अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जी जनाब, ये स्टार्ट हो गया है मेरा व्लॉग एंड डे। ठीक है, फिर वही जिम्मेदारियाँ, वही काम, वही रूटीन। एक रूटीन से बंदा वैसे तंग पड़ जाता है, मैं तो बहुत जल्दी फेड अप हो जाती हूँ, आप लोग का मुझे पता नहीं है। तो लेकिन एक ही रूटीन से काफ़ी मैं उतार चुकी हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत जल्दी उतार जाती हूँ। ये तो है भी काफ़ी दिनों से मेरी एक ही रूटीन जा रही है। तो जी हाँ, ये बीच में थोड़ी आवाज़ें आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की। फ़ैन भी होने वैसे तो, उसके बाद मैं आहिस्ता बोल रही हूँ इस वजह से कि बाहर वॉइस ओवर करते हुए ना बाहर मेहमान आया हुआ था कुछ, तो इस वजह से मैं आहिस्ता बोल रही हूँ कि बाहर वास ना जाए। तो जी ये है मेरी मॉर्निंग, जो कि मैं सुबह फेस वगैरह वॉश करके तो ये करती हूँ, सनब्लॉक लगा लेती हूँ, क्योंकि दिन में मैंने काम करने होते हैं, मैंने किचन में भी करने हों, चाहे रूम्स में करने हों, जिधर भी करने, लेकिन वो काम करने होते हैं तो ऐसे ना थोड़ा फेस की प्रोटेक्शन हो जाती है। तो इस वजह से तो इसके बाद ये है जी शाम से हुए, मैं कह रही थी उठ जाए लेकिन ये उठ नहीं थे रहे, हाथ में मोबाइल पकड़ के तो बैठे हुए थे कि इसे लगा दो चार्जिंग के बाद। सुबह उठते ही मैंने पहला काम यही मुझे देना था कि मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो। तो वो मैं कभी तो गुस्सा हो तो मैं कहती हूँ कि मैंने लगाना, खुद उठ के लगाएं, वरना मैं वैसे ज़्यादा तो मैं लगा ही देती हूँ कि अब क्या किया जाए। तो उसके बाद ये था हमारा आज का दिन, और काम वगैरह से फारग होके, यानी कि रूटीन के जो काम होते हैं किचन सॉरी सारे डेली जो काम होते हैं उनसे फ्री होके सफाई वगैरह करके, नाश्ता वगैरह करके, फिर मैं साथ ही आपको मैंने पहले भी बताया था कि साथ ही मैं खाने का स्टार्ट कर लेती हूँ, दोपहर का हो या शाम का हो, तो 11-12 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ ऑलमोस्ट। तो ये मैं दाल चावल बना रही थी, जिशान से मैंने पूछा था कि क्या बनाऊँ, तो कहते हैं जो दिल है बना लो, तो फिर मैंने कहा दाल चावल ना आज बना लूँ, तो कह रहे थे कि चलो बना लो, हम दोनों बड़े शौक से खाते हैं। तो ये है, मैंने लहसुन का तड़का लगाने के लिए ये भी छिल के रखे हुए हैं काट के। तो उसके बाद ये आपको येलो येलो पानी नज़र आ रहा होगा चावलों का, तो इसमें मैंने गरम मसाला डाला था आज थोड़ा सा, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, पता नहीं कैसा था। निशान तो बहुत बातें सुना रहे थे कि यार ये क्या डाल दी है, येलो येलो चावल हो गए हैं, इसमें काली मिर्चें आ रही हैं, ये है वो लेकिन मैं अवॉइड कर रही थी, बोलते जाए हम डाल तो मैंने दिया है। तो ये मैं रख के ऊपर तो आके लेटी हुई हूँ थोड़ी देर के लिए, आराम कर रही थी। तो ये मैं बेडशीट मैंने चेंज की थी वो दिखा रही हूँ आपको, और ये हम लोग ने LED की जगह भी, जो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं LED की जगह चेंज करूँगी, मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो वो भी मैंने चेंज की है, चेंज करवाई है कल जिशान से, लेकिन मुझे फिर भी ये ना ऊंची लग रही है, मुझे ऊपर मुँह करके देखना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है। तो देखें, अब मैंने जिशान से कहा था लेकिन वो कह रहे थे कि यहीं पे ठीक है, मुझे तो ये सही लग रही है, बैठ से बैठ के ब्लॉन्ड रखा, वो मुझे इतनी बातें सुना रहे थे। इस वक्त भी बंदे लड़कों को बुलाया हुआ था इन्होंने, तो जो यहाँ कहते हैं खुद ही सेट करवा लो, जिद करवानी है, फिर मैं नहीं गई, उनका चले करवा लें, खुद ही हो सकता है खुद बेहतर कर देना, लेकिन इन्होंने फिर भी नहीं सही की, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। तो अब तो खैर गुजारा करना है जी, कोशिश करूँगी फिर से, अगर कभी ट्राई करूँगी, अगर मान लिया इन्होंने तो फिर से चेंज करवाने की कोशिश करूँगी कि थोड़ी नीचे करके लगवा लें, लेकिन इन्होंने मुझे लगता लगवाएं। तो ये जनाब मैं बना रही हूँ रोटी दादाबू के लिए, ये असर का टाइम है, तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट की, उसके बाद ये असर का टाइम है और मैं रोटियाँ बना रही हूँ दादी माँ दादाबू के लिए। तो वो यानी कि मैंने आपको पहले बताया था असर टाइम आते हैं खाना वगैरह खाते हैं मस्जिद में, ज़्यादातर होते हैं दादाबू, तो वो मैं बना रही हूँ। तो खाना शाना बना के उनकी तैयारी चल रही है इस वक्त, मैं यही काम कर रही थी,
दोपहर में हम फ्री हो जाते हैं ना 12 बजे तक, ऑलमोस्ट 12 बजे तक। उसके बाद फिर हम लोगों ने दोपहर में खाना वगैरह खाना होता है, वो दोपहर की रोटियाँ या कुछ भी बाहर से मैं मंगवा लेती हूँ, सालन तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन अगर रोटियाँ मंगवानी हो तो वो भी बाहर से मंगवा दूँगी, और अगर कुछ और करना हो, मेरा मतलब है सॉरी मेरा मतलब है कि कुछ और मंगवाना हो, यानी कि रोटी रोटी के अलावा कुछ और खाना हो दोपहर में थोड़ा हल्का फुल्का, तो वो भी बाहर से मंगवा लेते हैं। तो फिर मैं रिलैक्स होती हूँ 4-5 बजे तक। फिर उसके बाद मुझे आजकल थोड़ी बिजी थी कि गेस्ट वगैरह आ रहे थे, आज आ रहे थे, इस वजह थोड़ी फ्री बिजी थी, तो वरना मैं मेरी रूटीन होती है 4-5 बजे तक मैं फिर फ्री होती हूँ। फिर उसके बाद मैं उनके आने की तैयारी करती हूँ कि उनके लिए रोटी वगैरह बना लेती हूँ, अपने लिए भी उनके साथ ही बना के, अगर खुद भी खानी है रात को तो बना के, तो मैं हार्ट पर भी रख देती हूँ कि जब भी खानी हुई खा लेंगे, तो वो मैं कर रही हूँ। उनकी चाय शाय भी साथ ही बनी होती है सालन वगैरह में। दोपहर में 11 बजे तक मेरा बन गया था, वो ठंडा हो गया था क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिया था, मुझे था आज गर्मी है थोड़ा हबस है तो ख़राब ना हो जाए, तो मैंने फ्रिज में रखा था, उसे फिर से मैंने ला के रखा हुआ है थोड़ा गर्म करने के लिए, वो साथ में चाय वगैरह बन रही है। तो उन्हें खाना शाना दे के तो मैं अपने रूम में आ गई थी। मैं कैंडी स्टोर कुछ दिन पहले वन स्टॉप गई थी ना, मैंने शायद आपसे शेयर किया था, वो लेके आई थी, जिशान कह रहे थे इंतहाई घटिया, पता नहीं क्यों कह रहे थे, लेकिन मुझे चॉकलेट कोई इतना भी किसी चीज़ में फ्लेवर आ जाए ना चॉकलेट का, वो मुझे नहीं अच्छा लगता, इसमें भी आ जाता तो मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी मैं कभी कभार खा ही लेती हूँ। तो ये है, हाँ जी, असर के बाद का टाइम तो मैं नमाज पढ़ने लगी थी, सोचा चलो कुछ नेकियाँ भी कमा ली जाएँ, कभी कभार इंसान को शर्म आ जानी चाहिए, जो कि कभी कभार मुझे भी आ ही जाती है, तो मैं वो पढ़ रही थी। तो उसके बाद मैंने क्या बात करनी थी, हाँ जी, शादी के बाद बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, शादी से पहले तो इंसान अपनी मर्ज़ी सोचता है, अपनी मर्ज़ी सोचता है, जो मर्ज़ी करे। मैं वो ही सोच रही थी आज बैठ के भी कि ये क्या ज़िंदगी है, कि कुछ समझ नहीं आती, एक ही रूटीन में जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो निभाते जाओ, बस दिन गुजरते जा रहे, पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजरी है, चने छोड़ें जी जैसी भी है गुजरी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में सेक्शन में आएं और मुझे मेरी वीडियोस के बारे में रिस्पॉन्स करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।